नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा एक और एक न्यू वैकेंसी के बारे में। वैकेंसीज यहाँ पर जो है आ चुकी है बिजली विभाग के लिए, यहाँ पर जो इसमें आपकी भर्ती निकल कर आ रही है 2023 के लिए। यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया हुआ है कौन से कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, क्या क्वालिफिकेशन इसमें आपसे मांगा गया है, किस तरीके से आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कितनी सैलरी आपको दी जाएगी, ये सारी चीज़ यहाँ पर जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहेगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस ना हो जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश की वैकेंसीज है, ठीक है। यहाँ पर जो है अगर आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, तो आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई हुई है, मैं आपको नोटिफिकेशन में ले चलता हूँ और सारी चीज़ यहाँ पर हम लोग चेकआउट कर लेते हैं क्या यहाँ पर जो है इसमें डिटेल्स में बताया गया हुआ है। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर अभी नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी जॉब अपडेट वीडियो मिस ना हो जाए। सबसे पहले आपको जॉब अपडेट्स मिलती रहे। 10th पास से, अगर आप 12th पास से ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है और आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसीज आती है उसकी सारी वीडियोज़ मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में यहाँ पर जो वैकेंसीज निकाली गई है, ठीक है, बिजली विभाग में यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया हुआ है, रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस कैंडिडेट्स फॉर असिस्टेंट इंजीनियर। तो यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर की यहाँ पर आपकी पोस्ट है। यहाँ पर अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, जिसकी सैलरी यहाँ पर काफ़ी अच्छी होती है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, यहाँ पर परमानेंट आपकी जॉब नहीं है, पर सैलरी यहाँ पर इसकी काफ़ी अच्छी होती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पर जो डिटेल्स में दिया गया हुआ है टेबल, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। भोपाल में यहाँ पर आपकी पोस्ट होने वाली है, द वर्ल्ड कंपनी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हेन वी यूज टू मीन MPMK VVCL भोपाल, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर जो है दिया गया हुआ है। असिस्टेंट इंजीनियर यहाँ पर मैनेजर इलेक्ट्रिकल की आपकी पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है जैसे मैंने आपको पहले बताया। कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें UR में आपको 6 पोस्ट देखने को मिलती है, SC की 3, ST की 4, OBC की 6, EWS की 2, टोटल आपकी 21 पोस्ट हो जाती है। असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर IT की अगर आप बात करें तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, जो कि UR की 6 पोस्ट है, SC की 3, ST की 3, OBC की 4 और EWS की 1, तो टोटल आपकी 17 पोस्ट यहाँ पर हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको इसमें मेन पार्ट देखने को मिल जाता है, जो कि रिजल्ट फॉर 87% इंक्लूडिंग फॉर 13 पोस्ट ऑफ रिजर्व फॉर OBC कैटेगरीज कैंडिडेट्स। तो ये चीज़ यहाँ पर जो है बोली गई हुई है। नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर आप बात करते हैं टर्म एंड कंडीशन की, क्या क्वालिफिकेशन इससे मांगा गया है, किस तरह से अप्लाई करना है, वो यहाँ पर दिया गया हुआ है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं इसमें असिस्टेंट इंजीनियर मेजर इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर जो है आपसे इसमें BBTech अगर आपसे मांगा गया है, अगर आपका BBTech है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो यहाँ पर आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद 65% यहाँ पर जो इसमें आपके होना चाहिए और इक्विवेलेंट CGPA फॉर UR OBC कैटेगरी के 55% यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है। SC PWD EWC कैटेगरी फॉर MP डोमिसाइल, ये चीज़ यहाँ पर जो है आप चेकआउट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में यहाँ पर पूरी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती है। वैलिड गेट स्कोर भी यहाँ पर मांगा है रिलेवेंट स्ट्रीम के लिए, फॉर लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो इससे पहले यहाँ पर जो है आपका एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले यहाँ पर जो स्कोर वैलिड कार्ड आपका होना चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर मेजर IT की यहाँ पर पोस्ट देखें तो इसमें भी आप BBTech इसमें मांगा गया हुआ है, ये चीज़ यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। AMI डिग्री फॉर IT कंप्यूटर साइंस यहाँ पर आपका होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो इसमें भी यहाँ पर आपको डिटेल्स देखने को मिल जाता है। वैलिड गेट स्कोर कार्ड यहाँ पर फ्रेंड्स मांगा गया इन रिलेवेंट स्ट्रीम ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। बाकी एज क्राइटेरिया की बात करें तो 21 से यहाँ पर जो है एज क्राइटेरिया रखा गया हुआ है, जो कि आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट्स की अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए 43 ईयर्स और फीमेल एप्लीकेंट्स अनरिजर्व कैटेगरी 48 ईयर्स। सिवम यहाँ पर जो है नॉन डोमिसाइल है उनको 43 यहाँ पर आप दिया गया हुआ है, आप देख सकते हैं 43 नॉन MP डोमिसाइल एप्लीकेंट्स के लिए। उसके बाद यहाँ पर जो है एज क्राइटेरिया आप और चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पर पूरा टेबल दिया गया हुआ है। इस नोटिफिकेशन के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। नोटिफिकेशन यहाँ पर जो 11 पेज का है, ठीक है, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये यहाँ पर दिया गया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो है रिलेक्सेशन आपको दिया जाएगा जब आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, नहीं तो आप अगर अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर UR से ही फॉर्म फिलअप करना होगा। हाउ टू अप्लाई, किस तरीके से हमको अप्लाई करना है, तो ऑफिशियल वेबसाइट से ही इसमें आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया हुआ है, आप यहाँ से ही अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है देख सकते हैं आप लोग डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई हुई है, जिसमें आप पूरी चीज़ यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, ये आपको वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर लगना है, आधार कार्ड लगना है, वैलिड गेट यहाँ पर स्कोर कार्ड आपको लगना है, NOC फॉर द परमानेंट एम्प्लॉय इफ एनी वो आप अगर आप हैं तो यहाँ पर आपको देना होगा। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर दिया गया है जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर लोग बात करें तो 1200 यहाँ पर जो इसमें आपकी फीस लगने वाली है। अन सब कैटेगरी वाले जो MP के डोमिसाइल है उनको यहाँ पर 600 फीस लगेगी इंक्लूडिंग GST। द एप्लीकेशन इज नॉट रिफंडेबल, एक बार फीस करने के बाद आपकी फीस यहाँ पर जो है रिफंड नहीं की जाएगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप लोग अप्लाई भी कर पाएंगे और नोटिफिकेशन भी यहाँ से जो है आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अब सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से, ऑनलाइन यहाँ पर जो एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड, ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस हैज बी बेसिक फॉर द रैंक मेरिट लिस्ट यहाँ पर आपका निकाला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट स्कोर फॉर द टू और मोर कैंडिडेट सेम द डिटरमेंट फॉर द मेरिट शेल बी एज अंडर। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पर ये रूल दिया गया हुआ है, ये यहाँ पर आप जो है इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट्स दिया गया हुआ है इस बारे में।
द टाइम पीरियड ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन, यहाँ पर आपको मिनिमम यहाँ पर जो 15 डेज दिए जाएंगे अगर आपका सिलेक्शन होता है डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए, तो ये चीज़ यहाँ पर जो बोली गई हुई है। बाकी यहाँ पर आप रिजर्वेशन के बारे में जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग और स्क्रॉल करें तो यहाँ पर जो आपको कॉन्ट्रैक्ट असेसमेंट के बारे में दिया गया हुआ है, जो कि यहाँ पर जो आपको स्टाम्प पेपर बनवाना होगा, ठीक है, 1 पीरियड के लिए। रूल एंड रेगुलेशन फॉर कॉन्डक्ट और डिसिप्लिनरी एक्शंस, ये चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। मेजर पेनल्टी, ये चीज़ यहाँ पर आपको बताया गया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो है आप कॉन्ट्रैक्ट टेंडर यहाँ पर आप देख सकते हैं, टेंशियर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। जनरल कंडीशंस यहाँ पर दिया गया हुआ है, द कॉन्ट्रैक्ट टू द असाइनमेंट टू अ पीरियड 1 ईयर फॉर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ड्यूटीज़, तो इस बारे में यहाँ पर जो कितने टाइम पीरियड के लिए, तो वो चीज़ यहाँ पर जो है मैंशन ने की हुई है नोटिफिकेशन में। रेफरेंस चेक, करेक्टर वेरीफिकेशन, कास्ट वेरीफिकेशन, ये चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। नोटिस पीरियड के बारे में दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पर जो जॉब छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो उसकी क्या जो है यहाँ पर गाइडलाइंस रहेगी, तो वो सारी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है बोन पीरियड के बारे में। उसके बाद यहाँ पर जो है आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर सेट असेस फॉर कॉपीज फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर जो सेल्फ अटेस्ट लेकर जानी होगी अगर आपके यहाँ पर सिलेक्शन होता है, तो ये चीज़ यहाँ पर जो बोली गई हुई है। उसके बाद यहाँ पर जो कब से फॉर्म इसके बनाना स्टार्ट होंगे, तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं 26/2023 से, और लास्ट डेट जो है यहाँ पर जो है 10/10/2023 यहाँ पर रखी गई हुई है। इंपॉर्टेंट नोट्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, अप्लाई करने से पहले आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी यहाँ पर डिटेल मिस ना हो जाए, आपको अच्छे से नोटिफिकेशन समझ में आए, तो ही यहाँ पर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो भी डिटेल्स थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, जानना ज़रूरी थी, वो मैंने आपको क्लियर कर दिए। अभी अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट ये है, यहाँ से आप डाउनलोड जो है कर पाएंगे नोटिफिकेशन, और यहाँ से ही आप अप्लाई कर पाएंगे। तो आई दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स से आप ज़्यादा शेयर कीजिएगा, उन लोग को वीडियो शेयर कीजिएगा जिनको इस वैकेंसीज की ज़रूरत है, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी कोई न्यू अपडेट आएगी तो आपको बता दी जाएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।